नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चुनावों से ठीक पहले आई कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी से निकल करके और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने जा रही थी। कल आलाकमानों से यह खबर आ रही थी, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही थी कि अपर्णा यादव दिल्ली में मौजूद थी और किसी भी वक्त ये चर्चा चल रही थी कि कब सदस्यता लेंगी। आज वो दिन आया, पार्टी कार्यालय में, दिल्ली कार्यालय में स्वतंत्र देव मौजूद थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में अपर्णा यादव ने सदस्यता ली। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक ऐसा वाकया हो गया, माइक ऑफ करना भूल गए वहां के लोग, और उसमें एक ऐसा वाकया कैद हो गया जो आपको सुनना चाहिए। पहले ये वीडियो सुनिए, उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं। अंदर बैठा देंगे सभी, मैं पूछते रहेंगे तुम। मीडिया के साथियों से आग्रह कि अपना स्थान ले लें, सभी कैमरा पर्सन से मेरा आग्रह कि सब अपनी जगह पर आ जाएं, कृपया करके अपनी जगह पर। सभी लोग कृपया व्यवस्थित हो जाए। राष्ट्र के लिए मेरा जीवन अब वीडियो में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा कि अपर्णा यादव स्वतंत्र देव सिंह से पूछ रही हैं कि क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, वो डिस्कस कर रही हैं, और उसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह उनसे कह रहे हैं कि मैं आपको एक बात में आपको कमरे में बैठा लूंगा और वहां से आप स्क्रिप्ट निकाल लीजिएगा और उस हिसाब से आपको पार्टी की सिर्फ अच्छाइयां बोलनी है। ये वाकया पूरा कैद हो गया उस कैमरे में और माइक की चूंकि साउंड ऑफ नहीं था तो वो आवाज भी आ गई। आपको बता दूं कि अपर्णा यादव की कई दिनों से चर्चा चल रही थी। मुलायम परिवार की एक बहुत अहम सदस्य हैं, बहू हैं। अब मुलायम सिंह यादव के परिवार की बात करें तो मुलायम सिंह की दो पत्नियां हैं, मालती यादव और साधना यादव। साधना यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव और उनके बेटे हैं प्रतीक यादव। प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव। वहीं मालती यादव के बेटे हैं अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव। अखिलेश यादव खुद समाजवादी पार्टी को इस टाइम संभाल रहे हैं और डिंपल यादव भी राजनीतिक भूमिका में है, कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं। वहीं अगर बात करें अपर्णा यादव की तो अपर्णा यादव भी राजनीति में कूद गई हैं और अपर्णा यादव पूरी तरह से राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करना चाहती हैं और उनके पति प्रतीक यादव कारोबारी हैं, वो बिजनेस संभालते हैं, वो राजनीति में अभी हाल फिलहाल नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर जो ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी में पिछले कई दिनों से आप देखोगे, सबसे पहले से अगर बात करें तो शिवपाल यादव वहां से अलग हुए, शिवपाल यादव ने अलग होकर के पार्टी बनाई लेकिन फिर वो वापस उसी में आ गए। अब एक परिवार का सदस्य और जा रहा है, खासतौर पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो समाजवादी पार्टी, जिसको सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी मान करके चलती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव का शामिल होना एक बहुत बड़ा संदेश दे गया और चुनावों के ऐन वक्त पहले से ये संदेश दे जाना कि अपर्णा यादव शामिल हो रही हैं और उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो अब राजनीति में आएंगी, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से प्रभावित हुई हैं, तमाम तरह की बातें उन्होंने जो की हैं उसको लेकर के एक बड़ा आलाकमान जो है वो सख्ते में आ गया है समाजवादी पार्टी का। अब ये उम्मीद है कि अपर्णा यादव को लखनऊ की किसी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लखनऊ कैंट की सीट भी हो सकती है। हालांकि लखनऊ कैंट सीट से रीता बहुड़ा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही हैं। हालांकि इसको बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि उस सीट से कौन उतर रहा है। रीता बहुड़ा जोशी खुद भी प्रयागराज से सांसद हैं और उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे को ये टिकट दे दी जाएगी तो वो अपने सांसद पद से इस्तीफा दे देंगी और 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। अभी देखना अहम होगा कि अपर्णा यादव की राजनीतिक भूमिका में क्या महत्व होती है। हमारी इस पर पूरी अपडेट है, पूरी नजर है हमारी, इस पर कोई भी अपडेट आएगी तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तब तक की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज़।